मैं देवदत्त कालिया, पहले मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में इंजीनियर था, चंबा में भी रहा एसडीओ, उसके बाद इधर पठानकोट में आया और यहाँ से रिटायर हुआ। तो हमारे डिपार्टमेंट के अजीत पाल जी, जो डायरेक्टर फाइनेंस रिटायर हुए थे, वो बिल्कुल मेरी कॉलोनी के इधर पठानकोट सामने ही उनकी दुकान थी। तो मैं सैर करने के लिए जाता था, तो मैं कभी कभी उनके रुक जाता था दुकान में। तो जब मैंने देखा तो वो भी अपने वो टेप लगा के बैठे होते थे, तो उसमें सनातन धर्म का रहा। तो मैं ब्राह्मण सभा से भी जुड़ा रहा कोई 12-13 साल, और इधर अपनी कॉलोनी में भी मैं वेलफेयर का प्रेसिडेंट रहा रिटायरमेंट के बाद। सिमल्टेनियसली दोनों ही करते रहे। तो अजीत पाल जी, मैं कहे जी सनातन धर्म इसको भी हम करते हैं तो जो एक ही चीज़ है, उनके हाँ एक ही चीज़ है, थोड़ा जे आदि सनातन धर्म देवी देवता है। और मैं कहे मैं कोई 40-42 साल पहले मैं माउंट आबू में गया था अपने बच्चों के साथ सैर करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म कुमारी का भी जहाँ है। हम वहाँ रुके, जून का महीना था तो सर्दी काफ़ी थी उन दिनों में, तो वो याद आ गई। तो मैंने कहा अभी जन है एक प्रोग्राम इंजीनियर और डॉक्टर्स का, वो 7 दिन का कोर्स जो है वो आप नहीं भी कहे तो आप जा सकते हैं। मैं गया वहाँ, तो मैंने देखा, मैंने उसको पूछा कि वहाँ वाइट ड्रेस ही चाहिए या कोई है। उन्होंने कहा देखो वहाँ वाइट ही चलता है, अगर ड्रेस का कोई नहीं है पर को ऑकवर्ड सा लगता है। तो मैंने वाइट ड्रेस और वहाँ चले गए, इसी सेंटर के थ्रू जो है ना मैं गया था ये प्रताप भाई के। तो वहाँ पर मैंने देखा कि ये तो सारे ऐसे लग रहे हैं कि ये सब फरिश्ते हैं, कोई लोक और ही है जहाँ ये मैं आया हूँ। तो उस वक्त माइंड बन गया, और मैंने 7 दिन का कोर्स मेरे सामने ही है प्रतापनगर कॉलोनी पठानकोट में, वो सामने जोगिंदर भाई हैं वो चला रहे हैं वहाँ, उससे 7 दिन का मैंने कोर्स किया। और उसके बाद मैं जाता रहा, सेवा करने का बहुत मुझे था, लेकिन प्रताप भाई कभी कह देते थे कि आपकी उम्र इतनी है कि आप सेवा नहीं। मैं कह नहीं, मैंने नहीं कुछ करना, बाबा करेगा। इतना मतलब उत्साह और ये हो गया। तो उधर सेवा भी, ये पंजाब के जो इसका रोटी डिपार्टमेंट में 2-3 नंबर में, और मैं खुद आप करता रहा और बड़े उत्साह से बड़े प्रेम से। तो मेरा अनुभव ये है कि बाबा ने भी कहा है कि एक तो जिस पर मैं ज़्यादा करें कि एक तो सच और पवित्रता, ये दो चीज़ें जो है ना बाबा ने जो मेरे घर कर गई है कि इससे ही आपका निश्चय पक्का होगा, और वाणी भी आपकी मीठी हो जाएगी और आपके व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी में भी वो एक रॉयल्टी आ जाएगी। तो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है, जो मैंने बाबा को वैसे ही किया, वो बहुत कुछ दे रहा है, पेंशन दे रहा है, हर चीज़ जो है ना, सुखी हूँ, बच्चे हैं, सेवा करते हैं, बाबा का भी नाम लेते हैं, और एक बच्चा मेरा चंडीगढ़ में है, वहाँ मेनली मैं जो है ना वहाँ 40 सेक्टर में बैंक के मलेह जी हैं,
वो वहाँ सेंटर चलाती है। अभी तो रेंटेड है, अभी अब हम सब तरह के अपना घर हो, लेकिन चंडीगढ़ में घर लेना बड़ा करोड़ों का काम है। देखो बाबा को कहते हैं कि आपका घर बने और हम जो है ना सेवा भी कर देने। तो अभी उधर ही मैं ज़्यादा रहता हूँ बड़े लड़के के साथ। तो बाबा का काफ़ी है, अगर मन वचन अपना संकल्प जो है वो शुद्ध हैं, मन बुद्धि जो है उसके साथ लगी रहे बाबा के साथ, और बड़ा कुछ है जितना ये बाणी को। अभी मैं आज कोरोना काल में भी हमने जो मुरली नहीं उतने की छोड़ी, ऑनलाइन करता हूँ। वहाँ चंडीगढ़ से बहन जी कमलेश जी 625 पर वो वहाँ पर लिंक वो भेज देती हैं पहले एक दिन, वहाँ तो वो करके सुबह जो है वो अर्ली में उठ जाता हूँ 3:50 पर। तीन आज तो मैं इधर आना था, संकल्प था कि वहाँ जाना है, सेंटर से शुरू किया है तो मैं ज़रूर वहाँ जाना है अपना इस सेंटर में जो है पठानकोट सेंटर मेन में। तो ये जितना भी मुरली को बार बार पढ़ो, और ख़ासकर अव्यक्त मुरली जो है उसमें बहुत ज्ञान छिपा हुआ है। पहले तो कुछ पता नहीं लगता था कि बाबा जो बाबा कह रहे हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा है या शिव बाबा है, इन दोनों में कन्फ्यूजन। अब पता लग गया है कि बाबा आता है तो जे ब्रह्मा बाबा है, जे शिव बाबा है, तो काफ़ी संतोष है। और जो ऐसे व्यर्थ संकल्प जो पिछले आते थे वो ऑलमोस्ट खत्म, कभी कभी आ जाते हैं लेकिन उसको मैं रिपेल कर देता हूँ। उसको ऐसा है कि मैं उसको एक साइड में करके फिर वो उससे बाबा से लगन लगाता हूँ। और योग अच्छा चल रहा है, बाबा की कृपा है हर तरह से। अभी 3-4 हफ्ते जो है ना मैं नहीं आ सका, संकल्प था कि जहाँ ही है वोट डालने के लिए, जहाँ पठानकोट में आया था तब भी से इधर ही हूँ। इधर ही घर है मेरा, एक छोटा लड़का मेरा इधर ही रहता है, बड़ा उधर है। तो अभी फिर चंडीगढ़ में इधर से ही चला जाऊँगा, छोटा लड़का आएगा वो ले जाते हैं मुझे। तो आप सब भाई बहनों को मिल के बहुत खुशी हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस लाइक समझा आपने, और मेरी ये जो है ना वो इंटरव्यू जब ये ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का, आपका सबका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे।